बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेहमीनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में नीचे दी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं टिंडियों की सब्जी। अंडे नहीं, टिंडियों तो नाम सुनते ही भाग जाते हैं, और बड़ों में भी ये बहुत ज़रा कम पसंद की जाती है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले बड़े क्या बच्चे भी शौक से इसको खाएंगे, बहुत कम मसालों में। जैसे कि आपको पता है, किचन में जो मसाले हैं उसी मसालों में हम अपनी मज़ेदार टिंडियों की सब्जी तैयार करेंगे। और जो इसके इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करें, ताकि एक परफेक्ट रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये एक बड़े साइज का प्याज है, साथ ही इसमें मैंने तकरीबन 3 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसको कद्दूकश कर लिया, वो ऐड कर देंगे। मैं इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो टिंडियों की सब्जी है वो बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत कम टाइम लेती है पकने में। मैं तो उसको खड़े मसाले के साथ तैयार करती हूँ, और वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पकाऊंगी। ये 1 मिनट हो गया, और जो हमारी सब्जी है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसमें टिंडियां ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए सब्जी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून काला जीरा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। याद रहे कि इस सब्जी में हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इस सब्जी का अपना ही पानी है और इसी में ही पक जाएगी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैं अगेन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो देखें, 2 से 3 मिनट हो गए, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर मैं इसमें 2 दरमियाने साइज के डाल रही हूँ। टमाटर
हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है, तो मैं इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए भूनूंगी और हमारी मज़ेदार टिंडियों की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मेथी ऐड करूंगी, सूखी मेथी, अच्छा फ्लेवर देने के लिए और अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए। तीन हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, इसके दरमियान में मैंने कट लगा लिया था ताकि हरी मिर्च का अरोमा टेस्ट अच्छी तरह से सब्जी में आ जाए। अब इसको मिक्स करेंगे, मज़ीद 2 मिनट इसको मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी और हमारी मज़ेदार सब्ज़ी टिंडों की रेडी हो जाएगी। अब देखिए कितने ज़बरदस्त कलर लग गए हैं, ग्रीन और रेड और वाइट। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, ताज़ा सा कटा हुआ मज़ेदार। इसको मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम में ऑफ कर दूंगी। ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम मसालों में मैंने इसको तैयार किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।